अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। बिस्मिल्लाह पढ़कर आज की हम लोग छोटी सी ये मज़ेदार चटनी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जो अशिया ज़रूरत होगी, दो आप कच्चे आम ले लें, कुछ हरी मिर्चें ले लें, हरा धनिया पुदीना ले लें और इसको अच्छी तरह आप साफ करके बना कर रख लें। इसको धोने के बाद ये देखें, ये हरी मिर्चें, हरा धनिया पुदीना है और ये आम की कैरी का पल्प है, ज़ीरा है, लाल मिर्च है, नमक है। अब इसको एक ब्लेंडर में सब चीज़ों को डाल दें, मसाले भी इसमें डाल दें। बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी सी होती है ये। इसमें अगर आप गुड़ ऐड करना चाहें तो कर दें, वो ऑप्शनली है। अब इसमें पानी ऐड करें और अब इसको कवर करके ये देखें, इतना पानी इनफ है। फिर ये थिक सी बनती है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा जूस बनाया आपने या चटनी बनाई है। ये देखिए, अब इसको आप मिक्स करें। चलें, ये देखें, ये अब हम लोग इसको एक मिनट के लिए जस्ट आपने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें, झटपट बनने वाली रेसिपी है, छोटी सी है, आप बनाएं, ट्राई करें, रखिएगा इसमें। ये देखें, इस तरह आप इसको बनाएं। ये देखें, फिर इसको थोड़ी देर बाद फिर इसको थोड़ा सा शेक करें। ये अच्छी तरह बनने के बाद अब इसको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत थिक सी, स्मूथ सी बनती है ये चटनी। चले आए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सी चटनी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।